हेलो मैम, आप कैसे हो? मैं मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए। भी बढ़िया। बाकी मैम, मैं एक चीज, वैसे तो आई अप्रिशिएट यू आप ऐसा करते हैं, बट मैं इसके पीछे की मोटिवेशन जानना चाहूंगा। आपने ऐसा क्यों सोचा? बिकॉज आपकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता वो ना करता। जैसे आपने पाकिस्तान में शोबिस में काम किया है, मे बी अगर आप उसी में कंटिन्यू करती, आज आपका नाम महविश हयात, माहिरा खान, सबा कमर इन लोगों के साथ होता। बट आपके अंदर ऐसा क्या आया कि नहीं, आपने ये छोड़ के कैनेडा आया और ये एक्टिविज्म, काइंड ऑफ एक्टिविज्म शुरू की? क्योंकि बिकॉज अगर आप पहला, बिकॉज कोई आपकी जगह कोई और होता, वो फिल्मी लाइफस्टाइल ही चूज करता, बिकॉज उसमें फिर आपका टॉप मोस्ट पाकिस्तान की लीड्स में आ जाते फिर आप। तो ऐसा क्या हुआ हाँ, कि आप? मगर उसमें उसमें फायदा किसका होना था? सिर्फ मेरा ही फायदा होना था ना। मैंने पैसे बना लेने थे, मगर मैंने कोई डिफरेंस तो नहीं करना ना दुनिया में। और ये बात नहीं सोचें कि मैं पाकिस्तान गई नहीं। मैं पाकिस्तान गई भी थी, मुझे काम भी मिल रहा था, मगर मेरी लाइफ को थ्रेट्स आती रहती थी हमेशा। तो मुझे आप बताइए ना, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ या वो वाला करियर? बट बाकी एक्ट्रेसेस भी तो कर रही है ना काम वहां पे अच्छे से। कर रही है, मगर वो इस तरह से नहीं कर रही है। मेरा मुंह जो है ना, वो हमेशा से खुला रहा है। मैंने हमेशा से बोल्ड स्टेटमेंट दी है। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। यानी अगर मेरे सामने कोई कुछ कर रहा होगा ना, तो मुझे पता था कि मैंने मुंह खोल देना है। दूसरी बात ये कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हो, किसी, जैसे कि मैं अगर ARY के लिए शो कर रही होती, ठीक है ना, तो वो ARY वाले मुझे बताते कि मुझे क्या बोलना है। मैं अपनी कोई भी उसमें राय नहीं डाल सकती थी, तो वो मुनाफिकत मेरे को नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट। और जैसे मैंने जब मिस पाकिस्तान किया था, तो मुझसे बहुत सारी चीजें कहलवाई गई थी जो मैं कहना नहीं चाह रही थी। और उस वक्त वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का, तो मैं, मुझसे नहीं होता है। मैं तो अपनी जॉब्स ढूंढ, मैंने यहाँ जॉबें ढूंढ छोड़ दी है, क्योंकि मुझे सही चीजें नहीं लग रही थी। मैंने अपना मुंह खोला तो ऑब्वियसली वो मुझको थोड़ी रखते। तो मेरे अंदर ये कीड़ा पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो। मुझे बस नहीं, हिपोक्रेसी और झूठ नहीं पसंद मुझको। तो मगर मैं ये भी तो सोचती हूँ ना कि हाँ, मैं पैसे बहुत कमा सकती थी, नाम भी बहुत कमा सकती थी। नाम तो मेरा अभी भी है, तो मगर उससे फायदा किसका होना था? सिर्फ मेरा ही फायदा होना था ना। अभी अगर मैं आवाज उठाती हूँ, मैं बात करवा करती हूँ लोगों के बारे में, औरतों के बारे में, तो एटलीस्ट मेरा एक मैसेज तो बाहर जा रहा है ना। और अगर यहाँ पर इतने सारे लोग देख रहे हैं, इनमें से एक भी बंदे का दिमाग चेंज हो जाए, बंदी का दिमाग चेंज हो जाए, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने कुछ काम किया, कुछ अच्छा काम किया है। मैं रात को आराम से सो सकती हूँ। बाकी जी बोले। जैसे ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स आपके बहुत ज्यादा आजकल मूवमेंट आ रही है, मैं स्पेसिफिकली वुमेन की बात करूंगा। कोई ऐसी फीमेल रेयर ही देखो, जैसे जैसे जितने भी हैं ये एक्स मुस्लिम फीमेल्स, वो सारे फॉरेन बॉर्डर एक सेकेंड जी, क्या बोल रहे हैं? सॉरी, जितनी भी ये जो एक्स मुस्लिम स्पेशली वुमेन की बात करूं, ऐसी रेयरली कोई होती है जो पाकिस्तान से निकली हो। बिकॉज मोस्टली जो एक डेनमार्क में है, एक ब्रिटेन में आए हो, इफ यू नो मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो ये औरतों के लिए जो है भी ना मुस्लिम्स, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, एक्स्ट्रा रुकावट आ जाती है बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, काइंड ऑफ। पाकिस्तान में बैठ के तो आप वैसे भी नहीं बात कर सकते हो ना। एक, आप पाकिस्तान में बोल ही नहीं सकते कि आप एक्स मुस्लिम हो, और वो भी एक लड़की निकल के बाहर आके बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता है, यू नो। और वो जो डेनमार्क में बैठी हुई है, वो भी औरतों के उस पर तो बात नहीं करती है। वो मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने कभी, एक इतनी सारी औरतें, लास्ट लास्ट वीक 4 औरतों का मर्डर हुआ है पाकिस्तान में। और वो पाकिस्तान से है नहीं, वो है एक्चुअली है अफगानिस्तान से। जो दूसरी आती है वो चूतिया बेवकूफ, वो डॉक्टर चूतिया बेवकूफ, वो भी अफगानिस्तान से ही है। वो पाकिस्तान से है नहीं, मगर रही थी थोड़ी देर, थोड़े वैसे दोनों पाकिस्तान में रही हैं, तो उनकी लॉयल्टी अफगानिस्तान से होगी, वो क्यों बात करेंगी पाकिस्तान से? मेरे ख्याल से तो आई थिंक आई एम दी ओनली वन, या जो खुल के कहती है इस चीज को, आई डोंट थिंक कोई और है। नूरिया खान भी तो एक, मैं नहीं जानती नूरिया खान को, मगर आ रही है लड़कियां। मैं जानती हूँ एक और है, उन्होंने भी स्टार्ट किया, एक पाकिस्तानी कुड़ी है, उन्होंने भी स्टार्ट किया है। इंग्लैंड में है चंद लड़कियां, उन्होंने स्टार्ट करा। आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। पहले एक हारिस सुल्तानी होता था सिर्फ, राइट, पाकिस्तान से, फिर गालिब आया, और फिर जो है अब आप देखो तो अब इंडिया से भी लोग निकलना शुरू हो गए। ये मूवमेंट अभी तो स्टार्ट हुई है, और अभी थोड़ी रुकावट बीच में इस वजह से आ गई है, क्योंकि देखो हम लोगों को फेयर चलना है। अगर आप, पहले हम यहाँ बोल रहे थे, जब मैं मौलवियों के ऊपर वीडियोस बना रही थी, तो देखो उस पे 20-20 हज़ार, मेरा मौलवी वाला वीडियो 50 हज़ार पे पहुंच गया, मालीज की जय जयकार हो रही थी भाई। तो जब मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर क्रिटिसाइज कर दिया, तो मुझे गालियां पड़नी शुरू हो गई, इसको अनसब्सक्राइब करो, इसको डिसलाइक करो, इसको ट्रोल करो, इसको ये करो। क्यों क्यों आप में बर्दाश्त आउट ऑफ हेटरेड फॉर मुस्लिम्स के लिए सब्सक्राइब किया था आपको, उनके कोई लॉजिक नहीं था उनके मन में ना।
उनके मन में तो बस एक हेटेड थी एक दूसरे रिलीजन को लेके। हाँ, तो इसी वजह से ये चीज जरूरी थी करना। मैंने मेरे पास 300 सब्सक्राइबर्स कम हो गए होंगे, मगर जो कचरा है ना वो छट गया, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ पर वो लोग बैठे जो मुसलमानों से नफरत करें या पाकिस्तानियों से नफरत करें। ना मैं यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी ऐसे बैठे जो हिंदुओं से और इंडिया से नफरत करें। नहीं, हम चाहते हैं न्यूट्रल बंदे। मैं न्यूट्रली चल रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं किसी की ना बिहाइंड जाके किसी नहीं कर रही। नहीं, अगर इंडिया में कोई चीज गलत होगी तो मैं उसको भी बोलूंगी, अगर इंडिया में से नफरत मुझे दिखेगी मैं उसको भी बोलूंगी। अब आप मुझे खुद बताओ ना, अब एक एक्स मुस्लिम बैठ के वहां पे कुरान लेकर, चार आप हिंदू या वो भी हिंदू वैसे नहीं, कट्टर हिंदू जिन्हें कहते हैं सनातनीज, जो बैठे सनातनीज नहीं जा रहे, जो टुनीज हैं, वो वहां बिठा कर 400 ऐसे एक्सट्रीम लोगों के आगे आप बैठ के कुरान की आयत खोल के बैठी हो, आपने कौन सा वो तीर मार लेना है? आपने किसका दिमाग चेंज करना है? आपने मुसलमानों का दिमाग चेंज करना है या आपने हिंदुओं को दिखाना है? क्योंकि यही लोग फिर सीखेंगे और फिर यही लोग जाएंगे जहां मेजोरिटी मुसलमान होते हैं और उनके मुंह पे चमाट मारेंगे, उससे क्या होगा? उससे और लड़ाई है, उससे और हेटरेड बढ़ेगी। तो ये होगा, आप देखिएगा, ये जरूर होगा। सो दैट्स व्हाट इट इज। नूरिया खान का नाम लिया, अब उनके वीडियोस हारिस सुल्तान सर के चैनल पे बहुत सारे उनके इंटरव्यूज हैं, काफी 4-5 अलग वीडियोस हैं, आप देखना। बेसिकली इन शॉर्ट में अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं, जी जी नहीं बोले बोले, शी इज अ ब्रिटिश बॉर्न लंदन बॉर्न पाकिस्तानी मुस्लिम, उसकी शादी हो गई थी दुबई में, एंड दुबई में उसके बाद उसे रियलाइजेशन होनी शुरू हुई कि इस्लाम, उसने स्टडी करना शुरू किया कि इस्लाम में मिसोजिनी है, बिकॉज़ जब शी वांटेड टू लीव हर हस्बैंड, शी जस्ट फेल्ट शी वाज नॉट कंपैटिबल विद हिम एंड शी वांटेड डिवोर्स, एंड यूएई में औरत के लिए डिवोर्स लेना इतना मुश्किल है, एंड वो इस्लाम के मतलब वो तो जेनेट जैक्सन भी तो हो गई थी ना मुसलमान थोड़े अरसे के लिए, फिर वो भी वापस आ गई। तो वो यूएई तो पूरी एक शरिया लॉ टाइप कंट्री है ना, तो वहां पे उस पॉइंट पे दैट वुमन सेड दैट शी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इस्लाम के, मेरा रिलीजन ऐसा कहता है, वो तो एक रिलीजन ऑफ पीस है, वो ये सब है, औरतों को तो हक देता है दैट टाइम पे। बट देखिए, रिलीजन ऑफ पीस जो है ना कोई भी नहीं है, कोई भी रिलीजन जो है ना रिलीजन ऑफ पीस नहीं है। या ना पास में रहा है ना आज पाकिस्तान में जो औरतों के साथ ही होता है जिनको जबरदस्ती अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है ना चाहते हुए, उनकी मारे खानी पड़ती है, उनके पास तो ना ही एक तो वो किसी दूसरी कंट्री जा नहीं सकते, पाकिस्तानी सिटीजंस हैं, और ऊपर से उनके खुद के माँ बाप उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं बर्दाश्त करो, इनके साथ रहो, एंड ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया में भी होती है काफी। इंडिया पाकिस्तान में बता रही हूँ ना, औरतों के मामले में दे आर द सेम, दे आर सेम पैट्रियार्की मिसोजिनिस्ट एक नंबर के, सारे नहीं 80% बोलूंगी, 20% अच्छे मर्द भी हैं, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहती सारे मर्द खराब हैं। डिवोर्स नहीं हो गया तो पता नहीं क्या होगा, कितनी ही बड़ी चीज हो गई। वो तो है, वो आप उसको मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती, इट इज देयर। हाँ, डिवोर्स ले लेती औरत, अरे भाई 25 साल से ऊपर हो जाती है ना लड़की, तो वो एक्सपायर्ड माल हो जाती है हमारे मर्दों के बजाय, यू नो, बुढ़ी हो जाती है, मगर मर्द तो हमेशा जवान रहता है। अभी मैंने आज एक तस्वीर देख रही थी, हर कौन से ग्रुप में थी मैं, मेरे पास वो नहीं है, मैं दिखाती, इतना बुढ़ा इंसान, और इंडिया ही थी वो, और उसकी थी छोटी सी लड़की से शादी की हुई थी, बुढ़ा आदमी। तो चले, थैंक यू इंडियन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, रियली अप्रिशिएट इट।